उद्गम किसको कहेंगे? जहां से फाउंटेन निकलता है, जहां से झरना निकलता है, जहां से सूर्य का उद्गम सूर्य निकलता है, जहां से चंद्रमा निकलता है, नई कोपले निकलती हैं, नई कोपलों का, ऐसे तो वृक्ष है पूरा का पूरा ही, लेकिन जब नई कोपले निकलती हैं तो वो उनका उद्गम है। नई कोपलों में से फूल निकलते, हाँ फूल में से फलों का उद्गम होता है। और उस वाली भी कहीं करती है क्या? सालों से पूरा ट्री देख रहे हैं, लेकिन जब एक-एक पत्ते का उद्गम होता है और एक-एक फूल का, एक-एक नई टहनी का और एक-एक फल का, उसको देखना कितना अच्छा लगता है जब क्रिया सजात्मक हो रही होती है, जब प्रकृति का सृजन हो रहा होता है, प्रकृति विकास की ओर बढ़ रही होती है, तो उसको देखना कितना सुंदर लुभावना लगता है। उसी तरीके से परमात्मा है तो सदा ही, ये नहीं कि उसका अभी अभी उद्गम होने वाला है तो वो सदा ही, लेकिन जैसे सूर्य निकलता है सूर्य, पर जैसे रोज निकलता है, उसके उद्गम को देखने में कितना सुहाना लगता है, उसकी लालिमा को देखना, समझ उगते हुए सूर्य को देखना, उगते हुए चंद्रमा को देखना कितना सुहाना लगता है। उसी तरीके से अभी आज के परमात्मा को देखो, अभी के बास स्पष्ट हो गई है। सूर्य तो रोज ही निकलता है, रोज का ही सूर्य यहाँ नहीं होता तो पृथ्वी के दूसरे भाग में होता है, चंद्रमा यहाँ नहीं होता तो दूसरे भाग में होता है, वृक्ष सालों साल से है, लेकिन फिर भी अभी अभी एक नई कोपल फूटी है, उसका कोपल का उद्गम हुआ है, निर्माण हुआ है। इसी तरीके से परमात्मा एक वृक्ष के जैसे, समझो कि पूरा वृक्ष है, पूरा ब्रह्मांड है, फिर भी उसके भीतर से नित नए नए उद्गम, नए सृजनात्मक क्रियाएं होती रहती है। नई क्रिएटिविटी जो 100 साल पहले था, जो 500, जो 5,000 साल पहले था, अभी वो का वो नहीं है। हर घड़ी उसमें उद्गम होता है। अभी अभी आपने जो नदी का पानी देखा, अभी अभी इस सेकंड, वो आगे बढ़ गया पिछला पानी और नया आया। झरने में से पानी फूटा, वो पानी आगे बढ़ गया, नए पानी का उद्गम हुआ, उसको क्या कहेंगे? उद्गम हुआ, इसको ये भाई दे रहा होगा नया पानी तुम्हारे निकला। लगा देगा तो उसका सीट बना के दूंगा ना वैसा। हाँ लगा देगा तो एक ऐसे तो इसमें झरना ये है वर्षों उसका वर्ष से जलेशन बह में एक से रहा चल रहा है, होगा एक से चल रहा है। हाँ लेकिन अभी एक इस सेकंड जो पानी मेरे सामने यूएसबी झरने डाल में दो से निकल रहा चलो है, चलो यहाँ इस सेकंड, इस स्विच को उसको कहेंगे यहाँ पे यूएसबी डाल दो, उद्गम। यहाँ पे तीन स्विच और यहाँ पे एक और तीन स्विच क्या करूँगा? एक इसी इसे तरीके इसे ये से है इसे। हाँ तीन अपनी स्विच समस्त ऊर्जा को समेटो। इसमें, अरे ऐसा ही है ठीक और है, उद्गम इसमें भी तो स्थान डालता हूँ एक पर कोपल दूसरी लगाओ, जो उसकी नई एल्यूमिनियम ऊर्जा निकल रही है उस स्थान पर एल्यूमिनियम लगाओ। का
बाकी डबल डाल दीजिए। एमसी भी था मुझे नहीं उड़ जा सकता मतलब एमसी का सर परमात्मा के भीतर हर सेकंड निर्माण का कार्य होता रहता है। बात क्लियर हो गई होगी ना? अभी अभी जो नदी का पानी मेरे सामने से बहा और आगे बढ़ गया, वो चला गया वो पानी। अभी जो मेरे सामने आ रहा है वो नया पानी है, नया स्रोत है। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है। आज आप कहो मुझे आपकी नवीनता से मिलना है, अब तक जितना आप मुझे दे चुके हो, अब तक जितना मैंने आपको देख लिया है, अब मुझे आपके किसी नवीन धारा से मिलना है। और जहां हर रोज परमात्मा को फोकस करते हो, उससे बड़े ध्यान से देखो, ये मेरे मालिक का उद्गम स्थान है। जैसे आपने गंगोत्री से, जहां से गंगोत्री शुरू होती है, जहां से जिस स्थान से पर्टिकुलर जिस स्थान से गंगोत्री शुरू होती है, आपने वो स्थान देख लिया। अच्छा, पीछे से कहीं से नहीं बहके आ रही, इस स्थान से गंगा शुरुआत करती है अपनी यात्रा, आपने वो स्थान देख लिया हो, और आपने मैदान में बहती हुई गंगा को देखा हो, आप क्या कहेंगे? मैंने तो गंगा का उद्गम देखा है। क्या कहेंगे? मैंने तो वो स्थान देखा है जहां से गंगा शुरू होती, जहां से यमुना शुरू होती है, जहां से गोदावरी शुरू होती है, जहां से अपनी यात्रा स्टार्ट करती है गोदावरी, मैंने उस स्थान को देखा। उस स्थान को कहेंगे उद्गम स्थान। फिर आगे की यात्रा तो मीलों की यात्रा है, निरंतर बहते रहने की यात्रा है। फिर तो आज आप बाबा को बोलो, मुझे आपका उद्गम स्थान देखना है, आज आप मेरे को वहां लेकर चलो, और धीरे धीरे जैसे देह से डिटैच होके आत्मा रूप से आगे बढ़ते हो, वैसे ही आत्मा रूप से, बस आत्मा रूप से, सुंदर पवित्र शुद्ध आत्मा रूप से आगे बढ़ो, दीदार के लिए तैयार। कोई कहना, कोई सुनना, कोई कंप्लेंट कुछ नहीं, बस भाव है तो क्या, मुझे जहां से तुम उदय होते हो, उस स्थान को देखना है, तुम्हें उदय होते हुए देखना। यानी आप कहो भगवान मुझे तुम्हें जब तुम रात को सोए थे सुबह उठे तो वो देखना है कि कैसे उठते हो, वो आभा वो भंगिमा आपकी देखनी है जब आप एकदम सुबह सुबह उठते हो। पहला दर्शन, आज का पहला दर्शन देखना है आपका, ब्रह्म मुहूर्त का समय देखना है मुझे कि आप कैसे दिखते हो।
फिर तो फिर बाद वाला 1 घंटे बाद वाला 6 घंटे बाद वाला 10 घंटे बाद वाला भी दर्शन होता है, लेकिन जो ज्ञानी जन है वो उनसे पूछो कि सुबह जब परमात्मा का ब्रह्म दर्शन कैसा होता है, सुबह सुबह अमृत वेला, वो बताएंगे। इसी तरीके से आप मालिक को बोलो, मुझे उद्गम से मिलना है जो आपका उद्गम स्थान, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। और बढ़ते बढ़ते उस स्थान पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर दो, नव निर्माण की प्रक्रिया को जानना है। उसी स्थान पर जाकर टिक जाओ। लगातार उसमें से कौन सी शक्ति का प्रवाह हो रहा है, कौन सी नवीन ऊर्जा, उस नवीन ऊर्जा पर एक पॉइंट से लाइट आएगी, उस एक पॉइंट पर अपना मन बुद्धि संतोषिका जी पानी वानी ले लो, अपना मन बुद्धि एकाग्र कर दें एक पॉइंट पर, कितनी भीनी भीनी लाइट शक्ति को तो दिव्य नेत्र के द्वारा ही देख सकते हो ना, नव निर्माणता का कार्य और कैसे देखोगे, आपके सामने थोड़ी निर्माण हो रहा होगा कि इन चक्षुओं से देख सको आप निर्माण, कैसे देख पाएंगे, भीतर के नेत्र से, मन के नेत्र से। मन और बुद्धि को एक पॉइंट पर एकाग्र, और वहां से पूरी तन्मयता से देखो कि कैसी नवीन ऊर्जा जो मैं आज तक उस ऊर्जा से नहीं मिली आज मिल रही। आज तक अभी तक जितने समय से मैं ध्यान कर रहा हूं अभी तक मैंने ऐसी ऊर्जा नहीं देखी जिस ऊर्जा से मैं अब मिल रहा हूं। भीतर में इच्छा रखोगे कुछ और नया कुछ और नया, तो नई ऊर्जा से नई लाइट से नई शक्ति से, ऊर्जा क्या है नई शक्ति,
ये गोली भी काम नहीं करी, ये गोली भी काम नहीं करी, तो हो सकता है ये वाली गोली उससे बेस्ट हो। तैतीस करोड़ देवी देवताओं का शास्त्रों में व्याख्यान है। सभी शक्तियां परमात्मा में समाई हुई है। आज मेरी मुलाकात किस नई शक्ति से होने वाली है? एक ही दिन में 33 करोड़ थोड़ी देख लोगे। और हर शक्ति एक भिन्न ऊर्जा से भरी हुई होती है। संतोषी की शक्ति अलग, शीतला की अलग, माँ कात्यायनी की अलग, शैलपुत्री की अलग, ब्रह्मचारिणी की अलग, स्कंद माता की अलग, लक्ष्मी की अलग, राधा की अलग। अगर इन सब शक्तियों की अलग अलग जरूरत ना होती, एक ही शक्ति को बता देते, बस ये शक्ति है बस। अगर इतनी शक्तियों की जरूरत ना होती तो इतनी शक्तियों का निर्माण भी क्यों होता? इतनी शक्तियों का निर्माण हुआ है, इतनी वेजिटेबल, इतने फ्रूट्स का निर्माण हुआ है तो सब कुछ ग्रहण करने के लिए ना, वरना दो सब्जी दो फ्रूट काफी थे, क्या जरूरत थी इतनी वैरायटी की? जब परमात्मा ने इतनी सब्जियां और इतने फ्रूट्स बनाए हैं तो उनकी जीवन में जरूरत भी तो होगी ना। इसी तरीके से जब उसने इतनी शक्तियों को पैदा किया है, इतनी शक्तियों को बनाया है, तो हमें भी इन सब शक्तियों की अपने कार्य में जरूरत होगी ना। अमावस, अमावस देखो कितनी प्रकार की अमावस, पूर्णमासी, पूर्णमासी कितनी प्रकार की पूर्णमासी, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, पृथ्वी माता, आकाश देवता, कितने सारे देव देवियां हैं और सबका निर्माण परम पिता से हुआ है। तो आज परमात्मा में से मुझे किस शक्ति से मिलने का परम सौभाग्य मिलेगा? वो शक्ति मेरे भीतर के कौन से तारों को झनकृत करेगी, कौन से सोए हुए तारों को जगाएगी वो शक्ति? जिसे पाए मेरा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। ये सोचते हुए, ये समझते हुए उस महाशून्य में, उस एक पॉइंट पर अपने आप को एकाग्र कर दें,
एक पॉइंट और उस एक पॉइंट को पकड़ते पकड़ते और आगे की ओर बढ़े। देखते जाए फिर से सुन लो, ये जो शक्तियां हैं ये मेरे मतलब की है, मेरे काम की है, और ये शक्तियां इन आंखों से दिखाई दे नहीं सकती। इसको देखने के लिए भीतर का दिव्य नेत्र, शुद्ध नेत्र, पवित्र आत्मा नेत्र, जिसे तीसरी आंख भी कहते हैं, वो चाहिए इन शक्तियों से रूबरू होने के लिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपके ऊपर फुल शावर बह रहा है, फुल बुछार हो रही है शक्तियों की। मनीषा देख पा रही हो, जोड़ जुड़ रहा है, शक्ति को देख पा रही हो, और एकाग्रता बनाओ कि बस तुम्हें पालूंगी तो सब कुछ पालूंगी। हे दिव्य शक्ति, इतनी एकाग्रता से धीरे धीरे आगे बढ़ो। आप ऐसा करो, इतने और कराओ, बाद में कर लो। एक पर फोकस करो और उसको फोकस करती करती आगे बढ़ती जाओ। ये सोच के आगे बढ़ो कि तुम मेरी भाग्य विधाता हो। मेरा जीवन परिवर्तन करने वाली हो, हे दिव्य शक्ति। ये सोच के आगे बढ़ो। बस एक खजाना है जो मुझे मिल चुका है, एक चाबी है जो मुझे मिल गई है। इस चाबी के द्वारा मुझे अपने बंद ताले खोलने हैं। जब कोई कैदी पड़ा हो भीतर और चाबी का गुच्छा पड़ा हो थोड़े उसके दूरी पे, रिहा होने के लिए वो कितने तरीके लगाता। कैसे दूर पड़ी चाबी पे दृष्टि गड़ा के चाबी को पास लाने की कोशिश करता है। किसी तरीके से मैं ये चाबी ले लूं और मैं ताला खोल के रिहा हो जाऊं। तो जो जन्मों जन्म के पड़े हुए ताले हैं, ये सोच के आगे बढ़ो ये पूरा चाबी का गुच्छा है, पूरा गुच्छा है ये। अब मुझे देखना है कौन सी चाबी से मेरा ताला खुलने वाला। ये शक्तियां जो है चाबी का गुच्छा है। किस शक्ति को यूज करके मेरा जो भाग्य का ताला है, खुशी का ताला, वो खुलने वाला है। दस जगह ध्यान भटकाएंगे, मेन पॉइंट से हट जाएंगे। ये करूं कि ये करूं, फलाने पंडित ने, फलाने ज्योतिष ने ये बताया था, उस व्यक्ति ने ये बताया था, इसका करूं कि उसका करूं, किसका मानूं।
इससे आप चाबी से हट जाएंगे। ऐसा करने से जो चाबी है उससे आपका ध्यान हट जाएगा, क्योंकि आप तो उस फलाने 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 व्यक्ति के द्वारा बताई हुई बात को खोज रहे हैं। और किसी भी व्यक्ति के पास इतनी पावर नहीं है जो किसी का ताला खोल सके। पावर तो मेरे परम सत्य के पास है, मान लिया ये बात? ये बात अपने अंदर बैठा चुके हो कि मेरे परमात्मा के पास सब तालों की चाबी है, ये बात क्लियर हो गई है आपके दिल में? अगर आपके भीतर ये बात पक्की हो चुकी है, कोई व्यक्ति, कोई बंदा, कोई ज्योतिष, कोई पंडित मेरा रास्ता नहीं खोल सकता, लूट जाते हैं, हजारों लाखों रुपए लुटा बैठते हैं, उसके बावजूद भी रास्ता नजर नहीं आता, और अभी आप ये बात पक्की कर लो, चाबी का गुच्छा मेरे सामने पड़ा हुआ है, बस सबकी नजर बचा के वो गुच्छा अपनी ओर खींच लेना है, और फिर वही चाबी लगानी है जिससे मेरा ताला खुले। परमात्मा जो भी ताला हो, किसी ने श्राप दे दिया है, कुछ पाप घटित हो गया है, कुछ और भी, कई किसी को गाय का श्राप, गो हत्या का श्राप होता है, किसी को ब्रह्म हत्या का श्राप होता है, किसी को कुछ, जो भी अनेक अनेक प्रकार के, परमात्मा हर एक श्राप की चाबी है, हर एक कष्ट का निवारण है। इस बात को अपने अंदर पक्का करो। ये जो पॉइंट ऑफ लाइट है, ये जो दिव्य ज्योति है, इसी दिव्य ज्योति में मेरे हर सवाल का जवाब, इसमें मेरी हर मुश्किल का निदान है, ये दिव्य ज्योति में। जब ये बात आप पक्की कर लेंगे अपने भीतर, तो फिर आप इसकी तरफ बढ़ने का कितना प्रयास करेंगे, जब आपको ये बात अंदर फिट हो जाएगी कि चाबी तो यही है और मुझे खुद लेनी है। इतना आगे बढ़ते जाना है, इतना आगे बढ़ते जाना है, जो मुझे एक एक ताले की चाबी मिलती जाए और मैं चाबी लगाऊं और एक ताला खुले, आगे बढ़ूं। जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कितने तालों के भीतर बंद कर रखा था देवी के वासुदेव को, वहां तक कोई पहुंचने की किसी को अनुमति नहीं थी। भगवान आए, सारे ताले खुल गए। तो एक वासुदेव एक देव की ही ताले में कैद नहीं थे, हर आत्मा देव की है, हर आत्मा वासुदेव है, और हर आत्मा इन तालों में पड़ी है। हर आत्मा, और जब उसका पदार्पण होता है, उसका अवतरण होता है, जब कहा मेरी आत्मा रूपी धरा पर,
परमात्मा का अवतरण कहाँ होता है? मेरी आत्मा रूपी धरा पर। जब उसका अवतरण होता है तो मेरे एक एक ताले खुलते चले जाते हैं। इतना आपको स्पष्ट हो गया है? तो आप इधर उधर कहीं बुद्धि मत लगाओ, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना समय, अपनी शक्ति चाबी प्राप्त करने पर लगाओ। क्या समझा? अगर इसमें भी अभी भी आनाकानी करते हो, अभी भी इधर उधर बुद्धि घुमाते हो, कहीं उससे मेरे प्रॉब्लम का निदान हो जाए, समय, शक्ति, विश्वास, सब वेस्ट करते हो अगर अभी भी बुद्धि चलाते हो कहीं कहीं। बल्कि अपने भीतर से ये कहो, जितनी देर में मैं इधर से उधर से पूछताछ करूंगा, कुछ सोचूंगा, इतनी देर तो मैं और दो चार चाबी हासिल कर लूंगा, जितनी देर में इधर उधर टाइम वेस्ट करूंगा। उतनी देर में तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। इससे आपको क्या प्राप्ति होती है? ऐसा करने से परमात्मा आपका ट्रस्ट देखता है, कितना आपका उसके ऊपर ट्रस्ट है, आपका भरोसा। ज्योतिष पंडित के द्वारा भी अगर करवाना है तो उसी ने करवाना है। तो क्यों ना आप स्वयं ही इस कार्य